हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरा इवनिंग से, तो आज इवनिंग रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा इवनिंग से क्या क्या होता है स्टार्ट। तो फिर मैं शाम का ही खाना प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने कोफ्ते पहले मतलब लौकी को कस लिया था अच्छे से धुल के। कसने के बाद इसमें मैंने बेसन मिला लिया था और इसमें मैंने मसाले मिला लिए थे। मसाले में मैंने मिर्च, धनिया और नमक मिला लिया था, इसमें हल्की सी हींग डाली थी। तो ऐसे करके इसे पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाते, ऐसे इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको पकौड़ी हम इसकी तल लेते हैं, जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं। तो गर्म मैंने तेल कर लिया था और फिर इसकी थोड़ी थोड़ी सी मतलब छोटी बनाते हैं क्योंकि फूल जाती है बाद में, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते। और हम इसको वैसे भी खाते हैं तो बहुत टेस्टी बन लगती है खाने में, वैसे भी खाने मतलब चाय वाय के साथ खाएँ या ऐसे खाएँ। और मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है, इसको अवॉइड करना, अभी ठीक नहीं हुआ है गला। तो बस इस तरह से ये मैंने सारे कोफ्ते ये तल के रख लिए थे और मसाला पीस के रख लिया था। तो मसाले में मैंने वही प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक और टमाटर सब मिक्स मैंने एक साथ पीस लिया था। और बस और उसके बाद में मैंने सारे कोफ्ते अच्छे से जब ब्राउन हो चुके थे सब तल के निकाल लिए थे। और उसके बाद अलग से कढ़ाई में मैंने तेल इसी में से ले लिया था उसी को, और उसके बाद मैंने तब वो बाद में छोंकी थी, पहले मैंने ये कोफ्ते रेडी कर चुकी थी। देखो आज जी मैं क्या करा रही, बच्चों से बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, कपड़ों की फोल्ड कर रहे हैं। मम्मी की हेल्प करना जरूरी होता है बच्चों, छुट्टियों में थोड़ा सा काम करा लो ना, बच्चों को हैबिट भी हो जाती है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों से थोड़ा सा काम कराइए और थोड़ा सी हैबिट बन जाती है हेल्प करने की। और देखो पाके कितने तरीके से कपड़े लगा रही है, सबका जिस जिसका है अपना अपना। इन्होंने हाफ हाफ बांट ली थी दोनों ने कि हाफ तुझे बनाना है, हाफ तुझे बनाना है, कॉम्पिटिशन करना था। और देखो मैं कैमरा मैन लगी खड़ी हूँ, मेरे पैर आपने कितनी बनाई, क्या हो गया मेरे पैर, देखोगे मेरे पैर में देखो क्या बना हुआ। हाँ, मेरे भी पैर में देखोगे, मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, आगे की पैर में मेरे भी पैर में। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग। और बस आज का दिन ऐसे ही निकल रहा है, देखो मेरे पैर में चुटकी बांधी हुई है, ये मेरे पैर में पता नहीं क्या एकदम से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने इसमें पैर पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पूरे पैर में इसमें बहुत पेन हो रहा है, तो इसमें मैंने इसमें चुन्नी बांधी हुई है 15 से। मेरा ना इसका कैमरा बंद हो गया है, तो मेरे सुबह से पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मैंने उसको अच्छे से टाइट करके उसमें मैंने बांधा हुआ है। और आज मैंने बाल वॉश किए थे, देखो मैंने फिर से बांध लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखे जा रहे हैं। और ये लोग कपड़ों की तय बना रहे हैं और मेरी अभी मेरे पकौड़ी बन रही है, अभी बीच में मैं इधर आ गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलती हूँ फिर से, हमारा काम है किचन में जाना, फिर से किचन में चलते हैं। तो अभी हम पकौड़ी को बीच में छोड़ के आ गई थी मैं, मैंने कहा चलो इतने अभी हो रही है तो इसलिए। और आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ इवनिंग से स्टार्ट, सुबह से बिल्कुल भी नहीं हो पाया, सुबह से इतना पेन हो रहा था मेरे पैर में बहुत ज्यादा, मैं बांध के ऐसे ही काम कर रही हूँ सुबह से। पता नहीं कैसे रात एसी में सोए थे, उसके बाद में एकदम से बहुत ज्यादा मतलब सुबह उठी तो बहुत ज्यादा पेन होने लग गया और फिर रोज समझ नहीं आता। और खाने में अब दोपहर तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, मतलब सुबह को लेट ही हुआ था नाश्ता, तो 12-1 बज गया था, तो फिर सबने फिर खाया ही नहीं कुछ भी। और लौकी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेते, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन क्या बहुत महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से 3 महीने तो हो चुके जो मेरे याद में नहीं बने हैं, उससे पहले कभी बनाए होंगे। तो काफी टाइम में मेरे ये कोफ्ते आज ये मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने बना लिए, इनको कुछ नहीं कसना है सिर्फ, तो और उसके बाद मसाले मिला देने हैं और इनको पकौड़ी की आपको तलना है। और पता है ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, इसको आप ऐसे भी खाओगे ना चाय वगैरह के साथ या ऐसे भी रोके खाओगे तो बहुत टेस्टी, बच्चे कितने तो लेके भी चले गए खाने के लिए। और मसाला मैंने इसका पीस लिया है और ये गए दूध लेने के लिए, क्योंकि मैं काम कर लूँ खाना बना लूँ वही बहुत है, पैर में इतना पेन हो रहा है चुनी बांध के मुझे काम करना पड़ रहा है। सुबह तो इतनी बुरी हालत थी तो मुझसे खामला पराठे भी नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और मैंने भी सोच लिया है अब मैं ब्लॉग डेली डेली नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत हो गया, डेली डाल डाल के भी बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग बस सपोर्ट करो तो सब कुछ हो जाए, आप लोग सपोर्ट करें, देखते तो वो आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। और बस हाँ ये अच्छा लगता है कि मेरी एक, चलिए मैं आप
आपको बैठ के बात करूंगी। अभी फिलहाल मैं पहले ये पकौड़ी बना लूं, वरना ये पकौड़ियां जल जाएंगी। ठीक है, पकौड़ी बना के फिर मुझे इनको छोकना दिए, क्योंकि वरना फिर ये फिर सब्जी। तो अभी तो मैं पकौड़ी बना के आ गई हूँ, उसके बाद में सब्जी को छोकती हूँ, बड़ी लाइट जला देती हूँ अब। ठीक है, और मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी कि मेरा चैनल, मतलब ये है कि मेरी जो मतलब रिलेटिव्स हैं, जो मेरे इनके फ्रेंड की मम्मी, वो देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू आंटी जी, आप मेरा चैनल देखती हैं, आपको इतना अच्छा लगता है। और यही होता है कि चलो कोई हमारे चैनल को प्यार कर रहा है, हमारी वीडियोज़ को देखने में उन्हें अच्छी लगती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है, और आप ऐसे ही प्यार करते रहिए हमारे वीडियोस को, और लाइक करिए, जो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और बस ये, और मतलब कोई होता है ना कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छी लग रही है, आप इस तरह से बनाओ, इस तरह से करो, इस तरह से ये करो, मतलब थोड़ा एडवाइस भी देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि छोटी छोटी कमियाँ हम में भी होती है कि नहीं है, तो इसलिए आप एडवाइस भी दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही आप लोगों को बताना था। तो आंटी जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखती हैं, आप मेरा ये वाला ब्लॉग भी आप देखेंगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और इतने आपको अच्छी लगती है वीडियोस। तो आपका कमेंट भी अब आता है, जब से मैंने बताया कमेंट किया कीजिए, तब वो कमेंट भी करती है, वो अपनी पोती से कराती है, वो उनकी पोती पोते सब देखते हैं, और उनकी बहू भी, मतलब उनकी बहू नहीं, मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी, मैं उनको भाभी बोलती हूँ, तो वो सब देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा चैनल जब ग्रो होगा, हो जाएगा, फिलहाल ये है कि आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो बस और क्या बोलूं कितना शब्द नहीं होते जब कोई बताता है कि हाँ आप वीडियो बना रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। वो आंटी जब से मुझे बोला, इतना अच्छा लग रहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कि चलो कोई तो है, कोई तो देख रहा है ना, कि मेरी वीडियो देख रहा है, उनको अच्छी लग रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम जहाँ रहते थे बहुत पहले, मतलब 9 साल पहले जहाँ हम रहते थे, वो आंटी वहाँ पे हैं, और तो इसके जरिए ही वो हमें देखती हैं, तो बस, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार करती रहे, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहे, और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखनी है, और सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, मैंने देखो बाल वॉश कर लिए मेहंदी लगाने के बाद, बहुत सिल्की सिल्की बाल हो गए, बहुत अच्छे बाल हो गए। ऐसा नहीं है, पार्लर वाले डरा देते हैं सच में बहुत ज़्यादा कि मेहंदी नहीं लगाना, खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी, जो कोई भी आप स्मूथिंग कराएं या रिमोडलिंग कराएं, कुछ भी कराएं, तो मेरे बिल्कुल भी वाइट बाल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बस एक दो ऐसे बीच में से था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उन्हें बोला कि मेहंदी बिल्कुल नहीं लगाना, मैं मेहंदी ही लगाती थी सिर्फ, उन्होंने बोला नहीं कलर लगाओ, और उन्होंने लॉरियल का मेरे को कलर बताया एक, तो वो लगाओ, और उससे बिल्कुल भी तुम्हारे वाइट बाल नहीं होंगे। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने लगा लिया, उससे ये हुआ मेरे जहां नहीं थे वहां भी मेरे वाइट बाल हो गए। तो इसलिए बोलूंगी कि जो पार्लर वाले कहते हैं सारी बात सच नहीं बोलते हैं, मैंने मान ली। आप लोग एक मिनट, मैं गेट खोल देती हूँ, ये दूध लेके आए, तो बस यही बोलूंगी। तो सारी बातें सच नहीं होती हैं, तो आप बिल्कुल भी मत मानना, और जो इन्होंने कभी कलर नहीं किया हो तो बिल्कुल मत यूज करना, जिनके वाइट बाल नहीं है उनके भी हो जाएंगे, ये तो 100% श्योर है, और ये मिलके भी दे सकती हूँ क्योंकि मेरे हो चुके उससे, तो इसलिए मैंने मेहंदी लगाई है, तो मैंने सोचा थोड़ा चलो ठीक हो जाए, बालों को थोड़ा केयर कर लेते हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी जो ग्रोथ आ रही ना, वैसे भी जो पुरानी वाली थी वही आ रही है इस वजह से। तो चलिए अब फिर मिलती हूँ मैं आपसे, इतने मुझे सब्जी बनानी, मैं सब्जी बना ली थी, वो पकौड़ी मैंने बना चुकी हूँ, और आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है, सुबह से मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि क्यों नहीं किया, तो ऐसे ही हो जाता है, नहीं हो पाता टाइम बिल्कुल भी, और पता नहीं कल वीडियो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी एडिट वीडियो नहीं रखा मेरा, तो देखते हैं अभी। हाँ, और कितने लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है, मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी पोस्ट उस पर कमेंट किया है, लाइक किया है, और उसका मेरे को, मैंने बोला था कि कमेंट करके बताना, तो उन लोगों ने बताए हैं, तो उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच। और उन्होंने बोला, मैंने कहा कि मैं चैनल बंद कर दूं, तो उन्होंने साफ मना किया नहीं, और वीडियोस को लिए बोला है कि वीक में 2 या 3 डालो तो जरूर डालो, तो मैं कोशिश करूंगी ये चीज करने की, और
बस ये आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतना ही मिली काफी है। और बस ऐसे ही लाइक करती रहिए। और चलिए अभी मैं सब्जी बनाती हूँ। और मैं ये सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने तेल वो उसी में से निकाल लिया था और ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी, जीरा डाला था, तो इसको भूनने के बाद में जो मेरा मसाला पीसा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से भूना था जब तक कि उसका तेल ना छोड़ दिया। उसके बाद जब ये भुन जाता है तो मैंने इसमें मलाई डाल देती हूँ। मैं एक डेढ़ चम्मच मलाई डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप उसको बाद वो अच्छे से भून लेना। उसके बाद उसी में मतलब जब ये मसाला डालोगे उसके साथ में आपको मसाला ऐड करना, तो हल्दी मिर्च नमक, वो नमक तो नहीं डालती, बाद में डालती हूँ, धनिया और ये सब आप ये डाल दीजिए। धनिया हो कटा हुआ वो बाद में डाल देना अगर हो तो, मेरे पास नहीं था मैंने नहीं डाला। उधर मेरा दूध गर्म हो रहा था, दूध ले आए थे। तो उसके बाद ये सब भुनने के बाद तब बाद मलाई डालते हैं, जब मलाई भी अच्छे से उसको चलाते हैं जब तक उसको घीना छोड़ दें, और उसके बाद जब वो भुन जाए तब उसके बाद इसे पानी ऐड कर देते हैं। पानी हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपको चावलों के साथ खाना है तो थोड़ी लिक्विड बनाते हैं, और आपको रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी गाढ़ी बनाते हैं। तो मुझे रोटी के साथ खाना था तो मैंने फिर इसको थोड़ी सी गाढ़ी बनाई थी। और ये रखने के बाद ना पानी इंसान ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो उसी हिसाब से इसमें पानी डालना ताकि ये पानी एकदम से लिक्विड ना हो जाए। तो फिर ऐसे करके फिर ये जब पानी हो जाता है और फिर ये उबल, उसको अच्छे से उबालते हैं सिम आँच पे, और मतलब उसको मैं आधा घंटा उबालती हूँ ताकि पानी अच्छे से पक जाए और टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद में जब ये हो जाता है तब उसके बाद में तब मैं ये कोफ्ते बाद में ऐड करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। जब कोफ्ते डालते हैं तब ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, 5 मिनट मुश्किल से, 5 से 10 मिनट, वरना कोफ्ते हमारे सारे फैल जाते हैं पानी में। तो बस उसके बाद में हमारी सब्जी रेडी हो जाती है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और बस आप लोग को थोड़ी सी अच्छी लगे उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो मेरे चैनल पे न्यू हो। और इस तरह का रात का डिनर मेरा रेडी हो चुका था। फिर हम मैं छत पे चली गई थी बच्चों को लेके, उसके बाद आने के बाद चपाती बनाई थी, फिर उसके बाद किचन विचन से पूरा साफ़ किया था, बर्तन वर्तन सब करने के बाद में फिर आप लोगों से बातें की मैंने। तो ऐसे करके रात का रूटीन मेरा आपके साथ मैंने शेयर किया है, और ऐसे ही हो जाता है। शाम का रूटीन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता बस। और तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। Beep, 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 beep.
जा रही हूँ छत पे, मौसम बहुत सही हो रहा है, थोड़ा सा खुला खुला लगता है ना तो नीचे बंद बंद से हो जाता है इसलिए। तो सब लोग ऊपर हैं तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ। मिट्टी खाने की, ये लो चलो चलाओ चलाओ। ये क्या बज रहा है, ये क्या है, क्या है ये? अभी देखो, अभी जितना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। ये तो दे रहा वो, अच्छा तो लग रहा है। ये देखो योगा चल रहा है हमारी छत में। ये कौन सा आसन है, ये कौन सा आसन है? ये लॉकडाउन वाला, ये लॉकडाउन वाला। ये देखो, ये तो रामदेव जी दिखी है, रामदेव जी नहीं दिख रहे मुझे फोटो में, रामदेव जी नाक तो दिखा दो। कोई बात नहीं, तुम करो करो योगा 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 योगा। भाई देखो बंद कर रहे, पहले एक बार दिखा दियो या तुम बना दो सही एक बार आसन। ये होता है योगा, ऐसा करना चाहिए। ये कौन सा आसन है, कौन सा आसन है बता दो? कपाल भाती, कपाल भाती। चलो बना बना तो कौन सा आसन करेगी? ये मास्क वाला आसन करेगी। अरे कौन सा कर, अंशी क्या पी रही है? अंशी क्या पी रही है? रोटी। हेलो गाइस, कृष्णा कृष्णा नहीं आ रही क्या? 148 पे श्री कृष्ण ही आ रही। और बस अभी मेरे रूटीन, इवनिंग का रूटीन आज मैंने आपसे शेयर किया है। अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि किचन साफ करने के बाद में मैं नहा लेती हूँ, और खाना मैंने अभी खाया नहीं, अब मैं खाना खाऊंगी। सब लोग खा चुके थे तो इस तरह का मेरा इवनिंग रूटीन होता है। और बस रात में बच्चों को खेलना हो जाता है, लूडो वगैरह वो खेल लेते हैं, तो इस तरह से होता है। आप लोगों के साथ मैंने आज अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है, तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि नहा के मेरे को ना बिल्कुल रिलैक्स लगता है, तो मैं नहाती ज़रूर हूँ चाहे कितनी भी तबीयत ढीली हो मेरी, क्योंकि वो फ्रेशनेस नहीं लगती मेरे को बिल्कुल भी। तो इस वैसे तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, और आप लोग लाइक करके ज़रूर जाना, पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। देन बाय, फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ।